नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान माया और मेरे साथ हैं एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, एक हरफन मौला, एक मस्त मौला व्यक्ति जिसे मैं द सनशाइन मैन कह के भी बुलाना पसंद करूंगी एंड यू वुड लव टू मीट हिम। सो वेलकम सो मच विनीत पंची। थैंक यू माया, लवली टू बी हियर। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर एट द शो। थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू। विनीत, आपको जानने का सबसे पहला आकर्षण था आपका नाम विनीत पंछी। इसमें दोनों ही शब्द हैं जो दोनों ही अपने आप में कुछ ना कुछ एक बहुत खूबसूरत सी सिग्निफिकेंस रखते हैं। आपका विनीत भाव, जैसा कि मेरी बात हुई कुछ लोगों से या मैंने जितना भी आपके बारे में देखा समझा पढ़ा, तो मुझे पता चला कि द वन अडॉर्नमेंट दैट यू हैव ऑलवेज बीन वेयरिंग एज अ मस्ट हैव इज योर ह्यूमिलिटी, आपका विनीत भाव। जो भी आपके संपर्क में आता है वो आपका पहली बार में मुरीद बन जाता है, एंड बिकॉज दैट इज वन व्हिच मेक्स यू एक्चुअली यू। सो आई थिंक यू हैव दैट मिडास टच दैट हूसोएवर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद यू हैज द पैचेस ऑफ सनशाइन इन वंस लाइफ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये विनीत जो मेरा नाम है हर समय लागू नहीं होता। मैं कई जगह अनविनीत हरकतें भी बहुत करता हूं। I can be very arrogant when I want to, but you know, it's fine if the impression is that. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Yeah, the second thing that feels very attractive is this surname as well, which is Panchi, and which I would like to know कि ये नाम आपका कैसे पड़ा? Does it actually have that kind of beautiful significance that I associated with? Like to me, it's a promise of flights of imagination and the free skies and then unbridled kind of a freedom and fearlessness of spirit and all that positive that Gulzar must have recommended it in this. So ये नाम कैसे? दोबारा शुक्रिया आपका। ये इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है माया जी। This name is my दादा's तखल्लुस। वो किसी जमाने में उर्दू के शायर हुआ करते थे, उनकी याद में हमारे फादर ने हमारे सारे बच्चों के आगे लगा दिया। तो मेरी सिस्टर का नाम भी पंछी है, मेरे दो कजन का नाम भी पंछी, आगे हमारे बच्चे आगे मेरी बेटी का नाम कबीरा पंछी है। बट आई डू होप दैट आई कैन लिव अप टू दिस नेम। जब आपका नाम पंछी होता है तो बाय द वे स्कूल में किसी भी बच्चे को इस नाम के साथ नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। तो मैं सारी जिंदगी इस नाम के साथ जिया हूँ, अब जाके इस नाम का मुझे थोड़ा सा फायदा हो रहा है। बट दैट रियली इज द स्टोरी। आई होप फाइनली फायदा हो रहा है, अब थोड़ा सा फायदा होगा। देखिए, अब आप जब कहती हैं कि इसमें उड़ान भी है और फ्री स्पिरिट भी है, तब समझ में आता है कि हाँ, यहाँ जरूर कोई ढंग का नाम होगा। बहुत बहुत मुझे लगा कि आपके दोस्तों ने आपका ये नाम रखा शायद प्यार से, क्योंकि आप शायद किसी एक जगह टिकते नहीं होंगे, एज यू वुड लव टू कॉल योरसेल्फ अ रोलिंग स्टोन और सम अदर फीचर्स लाइक दैट इन योर पर्सनालिटी, कि आपके दोस्तों ने शायद आपका ये नाम रखा। दोस्त मेरे को, मेरे सारे दोस्त पंछी ही बुलाते हैं जी। I'm sure they have their own reasons, लेकिन मेरा नाम तो मेरे पापा ने रखा था। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, एक कैटेगरी लोगों की वो भी होगी कि उन्हें पंछी सुन के लगता होगा कि काइंड ऑफ फुटलूज एंड फैंसी फ्री एंड वन हु इज नॉट लाइक अ नॉर्मल मैन हु गोज टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग विद अ ब्रीफकेस और अ लैपटॉप एंड डज लॉट ऑफ मटेरियल ट्रांजैक्शंस एंड ब्रिंग्स होम मनी एंड ऑल दैट। I actually did that for a very long time. I mean, I did spend a lot of time doing exactly that, carrying a briefcase, wearing a suit, going to office in a car, okay, sitting at a desk. Ji. मैंने बहुत ज़िंदगी वैसे गुज़ारी है नौकरियाँ करते हुए. It's only in the last decade that I moved away from corporate and I've started to do what I do today, which is make films and do audio and you know write a little bit of poetry. But उससे पहले की मेरी ज़िंदगी exactly वही थी जो अभी आप कह रही थी कि नहीं होनी चाहिए. So yes, I did. Who am I to judge ki wo honi chahiye ya nahi honi chahiye? I think it's all about priorities. People choose the way they live. I agree. And at times it becomes a compulsion. Aap us 99 ke fair mein pad jate hain ki aap chah ke bhi nikal nahi paate hain. You know what other things you would have loved to follow, but then you are unable to do that because you are tied to that stake of limited movement and the material resources that you have, sort of. बिल्कुल ठीक कह रही है। तो बताइए अपने बारे में कुछ, आपकी औपचारिक और अनौपचारिक पहचान क्या है। मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि 5 मिनट पहले जब विनीत से मेरी मुलाकात अभी हुई थी, तो ही इवन रिफ्यूज टू टेल मी अ सिंगल क्वेश्चन। ही सेड
इंटरव्यू बाद ही में होगा, तो मैं अभी कुछ बताने वाला नहीं हूँ, मैं लाइव जाने के बाद सीधा ऑडियंस को ही बताऊंगी। हाँ, नहीं, नहीं तो मैंने हमें अपना रिपीट करना पड़ता। आज मैं पहले दिया नहीं है। जी, सो टेल मी व्हाट्स योर फॉर्मल इंट्रोडक्शन एंड व्हाट यू एक्चुअली डू। मेरी फॉर्मल और मेरी इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में जी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी किसी टाइम पे मैं एक रेज्यूमे जरूर पेश करता था, देखिए साहब मैं यहाँ पढ़ा हूँ, यहाँ आ गया हूँ, ये नौकरी की है, लेकिन अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझसे कोई रियली जानना चाहे कि मैं अब क्या करता हूँ और क्या करना चाहता हूँ, तो मेरे दो बड़े सिंपल से मकसद हैं अब जिंदगी में। पहला, लिखते रहना और उन चीजों के बारे में लिखते रहना जिससे मुझे लगता है कि दुनिया में थोड़ी सी पॉजिटिविटी फैलाई जा सकती है, लोगों को कहा जा सकता है कि साहब रिश्तों पे फोकस करो। और जो अब एक बड़ी चीज जिस पे मैं आजकल काम कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है जिसमें मेरा बाकी जीवन निकल जाएगा, वो है जय हिंद प्रोजेक्ट। जय हिंद प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के बारे में फिल्म बनाए, स्टोरीज बनाए, ब्लॉग्स लिखें, उनके बारे में बातचीत करें, जो कि साधारण लोग हैं लेकिन कुछ असाधारण उन्होंने काम किया जिसकी वजह से सोशल इम्पैक्ट हुआ है। मुझे लगता है कि बाकी मेरी जिंदगी उसमें निकल जाएगी बची कुछ। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि मेरे दिल के भी बहुत करीब है। मुझे लगता है कि दुनिया में और हीरोज की जरूरत है, और न सिर्फ फिल्मी क्रिकेट और बिलियनर्स की, बल्कि रियल लाइफ हीरोज की जरूरत है। मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ, तो कभी काव्य पाठ करके कर देता हूँ, कभी वैसी स्टोरी लिख देता हूँ, बट दैट्स रियली व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन। So how do you define those heroes and do you think you yourself fall in the category? I would love to think like that, क्योंकि कोई भी ordinary इंसान अगर कुछ भी extraordinary करता है जिसकी वजह से दुनिया में फर्क पड़ता है, मेरे हिसाब से वही है। और हीरो कोई एब्सोल्यूट हीरो तो हम में से कोई भी नहीं होता, हम में से कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है, लेकिन अगर आप रोजमर्रा जिंदगी में कुछ हीरोइक काम कर सके तो आप हीरो हैं। आप हो सकता है कि एक दिन हीरो हो, अगले दिन आप ना हो, लेकिन जिस दिन आप वो कर रहे हैं उस दिन के लिए तो आप हीरो हैं। तो वही आई थिंक मेरा मैसेज भी है। मैं बहुत सारे यंग लोगों के साथ काम करना शुरू कर रहा हूँ, इसमें हम उनको ये सिखा रहे हैं कि आप जब तक हीरोइक काम करते हैं तब तक आप हीरो। दैट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक दिस इज मोर फ्लेक्सिबल एंड लेस डिफिकल्ट काइंड ऑफ अ डेफिनेशन व्हिच एवरीबॉडी कैन फॉल इनटू। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एवरीवन इज अ हीरो। व्हेन आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग, व्हेन आई एम ट्राइंग टू राइट समथिंग व्हिच हैज अ पॉजिटिव मैसेज एंड इट कैन सर्टनली अपलिफ्ट समबडीज मोरल, सो आई थिंक दिस इज व्हाट हीरोइज्म इज ऑल अबाउट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हीरोइज्म को हमने अनफॉर्चुनेटली अपनी फिल्मों के द्वारा, फिक्शन के द्वारा, पॉलिटिक्स के द्वारा एक बहुत ही अनअचीवेबल सा पेडेस्टल बना दिया। ऐसा है नहीं। हमारे मोहल्ले में एक पप्पू भैया है जो कि मोहल्ले के सारी सफाई का जिम्मा उन्होंने ले रखा है, वो मेरे हीरो। अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा शख्स हीरो, तो अल्टीमेटली हीरोइज्म क्या होता है? हीरोइज्म इज एनीथिंग दैट अ पर्सन डज जो कि वो कहता है साहब आई विल नॉट बी अ बायस्टैंडर, मैं खाली खड़े होकर देखूंगा नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, उसके बारे में कुछ करूंगा, वो हीरो बन जाता है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। चाहे वो किसी भी तबके का कोई भी व्यक्ति हो, वो कुछ भी काम करता हो, लेकिन वो जो भी काम करता है वो इतनी कर्मठता से करता है कि उससे ज्यादा अच्छा उस काम को कोई नहीं कर सकता है। सो आई थिंक दिस इज व्हाट यू मीन टू कन्वे। नहीं, उससे ज्यादा अच्छा जरूर कोई ना कोई कर सकता होगा, लेकिन ये सोच के कि मुझसे ज्यादा कोई अच्छा ना कर पाए तभी मैं करूंगा, वो इसकी वेट नहीं करता। वो कहता है जो मैं कर सकता हूँ मैं उतना करूंगा, तब वो मेरे लिए हीरो। अदरवाइज तो फिर हर आदमी कम्पीट करता रहेगा, और हर आदमी तो अव्वल नहीं होता हर चीज में, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उतना जरूर करना चाहिए। मुझे लगता है जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे मेरा कॉम्पिटिशन औरों से नहीं है, मेरा कॉम्पिटिशन मुझसे खुद से है। भाई मैं ही कहूंगी शायद मुझे मुझसे भी कम्पीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल जो मेरे फैसले थे वो मेरी कल की परिस्थितियों पे निर्भर करते थे। बिल्कुल, मेरा जितना पोटेंशियल था, जितने मेरे रिसोर्सेज थे, जितनी मेरी सिंसियरिटी थी या एज की मैच्योरिटी थी, उस हिसाब से मैंने वो सब किया। आज जिस लेवल पे मैं हूँ, आज मेरी जो मैच्योरिटी है, आज जो मैं अचीव कर सकती हूँ अपने पोटेंशियल के हिसाब से, तो वो आज की बात है। तो मुझे अपने आप से कम्पीट करने की कोई जरूरत नहीं है शायद। I don't think इसका भी कोई absolute जवाब है। कभी कभी अगर खुद से कम्पीट करके आप बेहतर महसूस करते हैं, हर आदमी को हक है कि वो कल से बेहतर बनने की कोशिश करें, वो भी करना चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी दिन लगता है कि साहब जो मैंने कभी अचीव किया था, दैट चरम सीमा, इफ आई डोंट अचीव इट ऑन अ डेली बेसिस, दैट्स फाइन, दैट डजंट मीन यू आर अ लूजर, दैट स्टिल मींस दैट यू नो यू शुड कंटिन्यू टू वर्क। कंप्लीटली एग्री विद यू।
तो क्लास में कभी आपने टॉप किया, कभी अव्वल आए आपकी क्लास में? कभी नहीं आया जी, कभी नहीं आया। 25-26 की क्लास में, 21 से लेकर 25-26 के बीच में कोई ना कोई हमारा रैंक आ जाता था, उसमें हम बड़े खुश थे। और आई थिंक ठीक ही था, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा जिंदगी में। लेकिन मैंने तो सुना है आपने अव्वल होने की अपनी खुद की एक परिभाषा भी कॉइन की है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, अगर आप हमें बताना जी जी चाहें जी तो। मैं आपको उस पर नज्म सुनाता हूँ, अगर आप उसी नज्म की रेफरेंस कर रही हैं, इट्स कॉल्ड नालायक, आप मुझे इजाजत अरे दीजिए, मैं आपको जरूर सुनाता हूँ। आपने मेरे बारे में रिसर्च कर ली है माया जी, जिसको जरूर मैं आपको कविता सुनाता हूँ, इट्स कॉल्ड नालायक। और वो मैंने लिखी भी कुछ यही सोच के थी कि हमें क्लास में अक्सर जो बताया जाता है कि लायक और नालायक क्या होता है, उसकी थोड़ी डेफिनेशन चेंज की जाए, तो आपको मैं सुनाऊंगा। हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल। तो उसका पहले एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताता हूं कि आपने जिस तरह कहा, मैं क्लास क्लास में तो कभी फर्स्ट नहीं आया, मुझे उसका कुछ खास अफसोस भी नहीं है। और मुझे ये भी बहुत जल्दी रियलाइज हो गया था कि अव्वल की जो डेफिनेशन हम टिपिकली इस्तेमाल करते हैं हमारे स्कूलिंग सिस्टम में, हमारे कॉलेजों में, हमारे कॉर्पोरेट में, वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डेफिनेशन है, जिंदगी पे लागू नहीं होती। मेरे साथ एक बार यही हुआ, मैं देहरादून आया और मैं फॉर सम रीजन आई बिकेम अ वेरी एरोगेंट मैन एज अ यंग मैन, क्योंकि मोहल्ले से निकले, अंग्रेजी स्कूलों में डाल दिया, बाकी कोई अंग्रेजी स्कूल में जाता नहीं था, तो हमें लगने लगा सर वी हैव अ चिप ऑन आवर शोल्डर। फिर कॉलेज वॉलेज ठीक हो गया, नौकरियां ठीक मिल गई, पैसे ठीक हो गए, लेकिन जब मैं वापस जाता था अपने मोहल्ले के बाकी दोस्तों से मिलने, वो मुझसे ज्यादा खुश होते थे। तो मैं ये देख के अच्छा, हैरान होता था कि यार ये कमाल है कि यू नो इररिस्पेक्टिव के ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एंड दैट फाइनली मेड मी थिंक, एंड यू नो आई थिंक पार्ट ऑफ दैट हैज गॉन इनटू दैटनेस। मुलाजा फरमाइए कि जिंदगी कट रही है या जिंदगी जी जा रही है, ये सवाल पूछना जरूरी है। जिंदगी कट रही है या जिंदगी जी जा रही है, ये सवाल पूछना जरूरी है। सुबह से शाम का सफर पल में कट जाता है या हर मिनट एक मजबूरी है, ये सवाल पूछना जरूरी है। बात यह है कि क्लास में हमेशा सिखाया गया कि जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वही लायक, क्लास में ये सिखाया गया कि जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वही लायक है। अब सारे इनाम अगर रिपोर्ट कार्ड से जुड़े हो तो नीचे के तीन किस लायक है? अब यही सिलसिला कॉलेज में करियर में चलता है, और हम चाहे ना चाहे हर आदमी किसी बैच किसी क्लास में ढलता है, और फिर सिर्फ ऊपर रहना जरूरी हो जाता है, फिर सिर्फ ऊपर रहना जरूरी हो जाता है, टॉप ऑफ द क्लास फिर से मजबूरी हो जाता है। अब या तो अव्वल आने वाला हमेशा खुश हो तो समझ में भी आता है, अब या तो अव्वल आने वाला हमेशा खुश हो तो समझ में भी आता है, या फिर ये समझाओ कि जो खुश है उसको अव्वल दर्जा क्यों नहीं माता है ना आयरनी जिंदगी, है ना आयरनी जिंदगी की, जब तक इसके पीछे दौड़ो वो देखो आगे आगे रहती है ना आयरनी जिंदगी की, जब तक इसके पीछे दौड़ो वो देखो आगे आगे रहती है, जहां रुक के जीना शुरू कर दो ये देखो साथ साथ रहती है ना आयरनी जिंदगी की। तो दोस्तों क्या आप वेट करना बंद करें, क्या आप वेट करना बंद करें, अव्वल की एक नई डेफिनेशन बुलंद करें, यार एक नई क्लास बनाते हैं, यार एक नई क्लास बनाते हैं, जो जिंदगी को हर पल जीते हैं फॉर अ चेंज उनको क्लास टॉप कराते हैं, यार एक नई क्लास बनाते हैं जो जिंदगी को हर पल जीते हैं फॉर अ चेंज उनको क्लास टॉप कराते हैं, जो अभी बेमकसद दौड़ रहे हैं अपने ही क्लासमेट है, कनपट्टी के नीचे दो लगाते हैं, दोस्तों को थोड़ा बैठाते हैं, प्यार से थोड़ा समझाते हैं, क्लासमेट होने का फर्ज निभाते हैं, यार एक नई क्लास बनाते हैं जो जिंदगी को हर पल जीते हैं फॉर अ चेंज उनको क्लास टॉप कराते हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच, इट वॉज सो ब्यूटिफुल, एंड द थैंक यू, वर्ड्स चोजन वॉज सो सिंपल बट दे कन्वेड अ लॉट ऑफ डेप्थ, एंड इट्स थैंक एक्चुअली यू। ट्रू कि हम लोग भागते रहते हैं, एक मृग मरीचिका सी हो गई हमारी जिंदगी के, हमने कुछ चीजें तय कर रखी हैं कि दिस इज वॉट वी हैव टू चेज, एंड वी कीप चेजिंग द सेम थिंग्स ऑल ऑफ बिल्कुल अस, ठीक कह रहे हैं, बट देर आर अदर्स हु नो वॉट द इंटरनल कॉल्स आर एंड दे डू रेस्पॉन्ड टू दैट, एंड दैट इज वेयर वी क्रिएट अ डिफरेंस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई थिंक यू डॉट ऑन। तो आपको क्या लगता है कि अब जिंदगी काट रहे हैं या सही मायने में जी रहे हैं? ज्यादातर जी रहा हूं, कभी कभी काटनी भी पड़ती है, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड बैलेंस, वन शुड स्ट्राइव टू एज मच एज यू कैन लिव, बट आई थिंक आवर सर्कमस्टेंसेस सीज टू स्टार्ट टू इम्पैक्ट अस एज मच, जब आपको समझ में आ जाता है कि यू नो इट्स अ मिनट टू मिनट यू नो पर्सनल
पल से पल अगर आप जीते रहे तो आप ठीक रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचने से कुछ वैसे भी नहीं होता, वी आर ऑल गोइंग टू मूव अवे, सो माइट एज वेल लिव वेल. And I think that's a mental state. Once we are tuned in with the concept of happiness, then happiness has to be there. Yeah, I think so. I think what has happened in my case, you know, I keep saying I'm not a psychologist. I do believe whatever experiences we've had pushed us in certain directions. Mere saath ye hua ke only when I started to experience all emotions is when I started to appreciate happiness. उससे पहले तो मुझे लगता था डिफॉल्ट स्टेट है यार, आई थिंक आई वाज लिविंग मोर लाइक अ हेडनिस्ट एंड आई डिडंट हैव द काइंड ऑफ पर्पस आई हैड टुडे. सो वंस यू हैव अ पर्पस, वंस यू नो व्हाट यू आर डूइंग, वंस यू आर एबल टू अलाइन व्हाटएवर यू डू विद योर पर्पस एंड योर वैल्यूज टू अलाइन विद इट, फिर बहुत ज्यादा सवाल नहीं बचते, फिर छोटी मोटी तकलीफें भी आपको लगता ठीक है यार कम है, तो आप उस पर इतना गौर करना बंद कर देते हो, कंप्लेन करना कम कर देते हैं, बाकी तो जिंदगी में कुछ ना कुछ लगे ही रहे. क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लाउड्स हैं, सनी पैचेस आर देयर, इट्स ऑल अबाउट हाउ वी कंसंट्रेट ऑन देम, वेयर डू वी एक्चुअली कंसंट्रेट. हाँ, जब क्लाउड को देखते हैं तभी सनी पैच भी दिखता है, अगर आप खाली सनी पैच भी देखते रहो तब भी कई बार वो भी, उससे भी आप बोर हो जाते. सो वंस इन अ व्हाइल इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू नो क्लाउड्स कम, बिकॉज उससे आपकी खुशी का महत्व बढ़ जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो आपके कोट में जेब है जी? बिल्कुल है. आपको कुछ देना है? मुझे पेन में दे रहे हो? नहीं, आज मुझे ये जानना है कि आपकी जेब में आज मौसम कौन सा है. आज भी मौसम खुशगवार है, आज भी मौसम सनशाइन और लाफ्टर वाला है, और ये बिल्कुल सही बात है कि हम यूजुअली जो चूज करते हैं वही हम लेके घूमते हैं. I on a daily basis have to remind myself how grateful I am for the life I have, of the kind of friends I have, of the fact ki main abhi bhi sehatmand hoon, mere maa baap zinda hai, main unke saath reh paata hoon, apni beti ke saath waqt bita paata hoon, aur wo kaam kar raha hoon jisme ki mujhe na sirf maza aata hai balki mujhe us kaam karne ke kabhi kabhi paise bhi mil jaate hain, to isse badhiya combination kya ho sakta hai. Ki aap likh rahe hain, aapko likhne ka shauk hai aur maza aa raha hai, aur saath mein kuch log uske paise dene ko taiyar. That's a surplus, huh? Absolutely, absolutely. I'm grateful and I'm thankful for the kind of life I have. Yeah, gratitude is the key. I think we should be more than full of gratitude to God that we have certain things which others are not able to achieve. I mean, yeah. बाकी लोगों से मौसम वाली मैंने आपसे पूछी. I somewhere saw you giving a beautiful interpretation about the weathers that we carry with ourselves, and this is what I would like you to enlighten our audience a little bit on. enlighten. आपसे ये पूछा जाता है कि आप देहरादून में रहते हैं, बहुत खूबसूरत मौसम होता होगा, बड़ा वहां पे ड्रिजलिंग वाला रहता है, एकदम धुआं धुआं रहता है, बड़ा सुंदर लगता होगा. एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ पे बिल्कुल धुंध नहीं होती. देहरादून का मौसम बहुत खुशगवार इसलिए है क्योंकि दिन में खूब धूप निकलती है जो कि आपको शाम की ठंड के लिए तैयार कर देती है. सो यू नो दिन में हम धूप सेकते रहते हैं, शाम को हम फिर ये अब देख ही लिया. बाकी जगहों पे आप अलवर में हैं, नेचुरली आई कैन एक्सपेक्ट यू नॉट टू बी दिस कोल्ड, बट हमारे यहाँ तो एक स्वेटर, एक शर्ट, एक मफलर, ये सब लेके भी मुझे हल्का सा भी ठंडा ठंडा सा लग रहा है. सो आई लाइक दिस चिल इन देहरादून. जहां तक आपके सवाल जी, आपने जो सवाल किया ऑन द काइंड ऑफ वेदर वन यू नो शुड अटेम्प्ट टू कैरी, आई थिंक वन नीड्स टू बी एबल टू गो थ्रू ऑल वेदर. हाउएवर इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड विच वन आर यू गोइंग टू कैरी अराउंड. इट इज इम्पॉर्टेंट टू गो थ्रू ऑल वेदर्स बिकॉज लाइक आई सेड, खुशी का महत्व तभी तक है जब तक आपने गम महसूस किया होता है, अदरवाइज आपको लगता है यार ये डिफॉल्ट मोड है, और डिफॉल्ट मोड में उतना मजा नहीं. So one must feel pain, one must feel sadness, one must understand disappointment, one must feel dejected occasionally, one must go through all emotions to be able to then say, out of all of these, I will choose happiness. Or, I mean, कोई absolute happiness तो नहीं होती, but जो आप रोज कदम उठाते हैं, if they are, like I said, aligned with your values, if you're doing what you love, chances are that will not be as gloomy. And that I think really works, at least for me. What you told me about the weather of Dehradun, like you said, ki din mein bahut achhi dhoop hoti hai, and we really enjoy that. We have that sun bath feel,
and which जी actually prepares us for the cold to come by the advent of the evening. Absolutely. So this absolutely. I would like to carry on in metaphorical plane कि life में भी यही है ना, जब we have had excessive moments of happiness, we never complain and we should not complain, but we should just let it whatever we get and be prepared for the next to come, which may be a cloudy patch again. बड़ी अच्छी बात बोली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही, बिल्कुल ठीक कह रही. तो विनीत, आप बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं, मैंने आपको आपकी फेलियर स्टोरी सुनाते हुए सुना है. वुड यू लाइक टू शेयर योर फेलियर स्टोरी विद ऑल ऑफ अस सो दैट वी आर नॉट एक्चुअली स्केयर्ड विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फेलियर व्हिच गिव्स अस क्रीप्स. हाँ, श्योर. आई मीन टेड टॉक की बात कर रही है जो दी थी, दैट वाज कॉल्ड माय फेलियर स्टोरी है. सो वन, आई मीन एवरीवन नोज दैट फेलियर इज द बिगेस्ट टीचर. आई मीन मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था. कोई बात नहीं, हल्का सा, आई थिंक मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया. मैं सुनने वाला कर लेता हूं, एक सेकंड. अब आ गई जी. जी यस, आई कैन हियर यू नाउ. लीजिए, सॉरी. या तो आई ग्रू अप इन अ मोहल्ला एंड देन विद व्हाटएवर यू नो लक वी हैड, वी वर एबल टू यू नो गेट टू द राइट कॉलेजेस. वर्क रिलेटेड प्लेसेस एंड स्टफ. अब मेरी आवाज बार-बार जा रही है, उसके लिए माफी चाहता हूं. सो what I realized is that every time that I connected with a new kind of work, every time I connected with something that I wanted to try, if I did not like it, I was very quick in kind of quitting that. और उसमें कई बार मुझे लगना शुरू हो गया था जैसे कि you don't bother about the voice, it's coming just perfect. अच्छा, ठीक है. So I didn't really succeed at a lot of different things that I tried, and that kind of troubled my family and troubled other people and said, yeah, you know, this guy keeps jumping from one thing to the other, till I realized that that is who I am, that is what I really like doing, that is what gives me the variety that I seek in life, and that then kind of told me that that is possible. So I, like you said, I call myself a rolling stone, but I'm quite a प्राउड रोलिंग स्टोन. जिन लोगों को किसी एक चीज पे फोकस करके उस पर वो बहुत देर तक काम करते हैं और उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं, मुझे उन लोगों से मोहब्बत है बिकॉज दे एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेप्थ ऑफ एनी सब्जेक्ट. बट वी शुड नॉट, इफ यू आर अ रोलिंग स्टोन लाइक मी, इफ यू लाइक वैरायटी, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट देर इज अ प्लेस फॉर पीपल लाइक अस, पीपल हु डू नॉट हैव द डेप्थ इन वन एरिया बट दे माइट हैव वाइड एक्सपीरियंसेस. They might have done a whole lot of things in life by which, you know, the richness of life is, you know, seen in a different way. तो बस मेरा उसमें उतना ही ख्याल है. तो जितने भी मैं यंग लोगों से बात करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, मैं उनको लगातार यही कहता हूँ कि just because you went to study something, don't believe that is what you want to do. Ask yourself if you're really enjoying it. And if you don't, you know, try something else. Don't stop trying because only when you try will you find eventually, hopefully, what you really want to do. मेरे दोस्त हैं जो कि इंजीनियरिंग करके इंजीनियर ही हैं, जबकि अंदर से उनका दिल कुछ और करने का है. So that I think you lose a lot of life behind that. And a bigger failure is when you really don't enjoy what you do. Even you are an expert in that. आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन आपको अंदर से समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ये काम नहीं कर रहा. I am not getting the juice of life. Maybe it's time for you to reconsider and, you know, think of what you really want to do. But is that leap of faith and is that plunge into like knowing nothing, where are you going? Is that easy enough to follow? It's very difficult, I guess. Aasan to nahi hai. Bahut difficult bhi nahi hai.
आई थिंक हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता है. वी आर अ ह्यूजली शेम बेस्ड सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे हमारे लिए बहुत महत्व रखता है. उस चक्कर में हम लगातार वो करते रहते हैं जिससे कि लोग वो कहते जाए जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है. उतना तो हमें डील करना ही पड़ेगा. यू नो इफ यू वांट टू रियली लीड अ लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट देन समटाइम्स यू विल हैव टू टेक द रिस्क ऑफ डिसअपॉइंटिंग अ फ्यू पीपल फॉर योर ओन यू नो सेक ऑफ हैप्पीनेस. I totally agree with you. You have to listen to your internal call because you have to be a happy person, and that is the outcome of life. If you're not happy doing everything and hoarding so much of material growth and success and prosperity, if the happiness is missing, if you're not loving what you are doing, you are not going the right way, I guess. So I have nothing against material, you know, success. I think it's an important part of life. There is a level at which you must be to be happy. एक level होता है जिससे नीचे unhappiness भी आ जाती है. So you must be comfortable. लेकिन उसके ऊपर फिर वो उतना value add नहीं करता. So the increment of change in your wealth will not bring you the same increment of happiness. Also, I think I've started to think differently in the last few years. पहले मेरे को लगता था कि happiness is the ultimate. The ability to be able to sense all feelings and then choosing what works for you is a way better place to be than to constantly listening. Because running after happiness does not mean happiness. Then you'll never have it. The ability to act on what you love and act on what you really align with results in happiness. So you really can't go after happiness. There is no such thing as happiness. Happiness is a byproduct. To karna to wahi padega jo hume pasand hai. Bilkul, bilkul. ये जो आपका एटीट्यूड है कि जो भी कुछ नया देखने को मिलता है जस्ट लाइक अ चाइल्ड हु हैज दैट एंथुसियाज्म हु इज एन एंथु कटलेट एंड गोस फॉर लेट्स डू इट सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग समहाउ ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन लाइफ एंड यू टॉक्ड अबाउट सर्टेन थ्योरी ऑफ फ्लो व्हाट इज दिस थ्योरी एंड डू यू थिंक यू फॉल इनटू दैट कैटेगरी आर यू वन ऑफ दोस पीपल हु एक्सपीरियंस दिस फ्लो इन व्हाट दे डू व्हाट द थ्योरी इज ऑल अबाउट. So, थ्योरी तो मिहाइल चिकसेनमिहाइल की है और वो ये कहते हैं कि जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसमें आपको बहुत मजा आ रहा होता है तो यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन यू डूइंग समथिंग दैट चैलेंजेस यू तो आप उसमें खो जाते हैं. वक्त का तकाजा नहीं रहता, खाना भूल जाते हैं, किसी को फोन करना भूल जाते हैं. तो दैट इज द स्टेट ऑफ फ्लो. और सवाल ये नहीं कि मैं उसमें रहता हूँ नहीं रहता हूँ, सवाल ये है कि आप उसमें कितना रहते हैं. पीपल हु आर एंग्रॉस्ड इन समथिंग दैट दे रियली एंजॉय डूइंग are mostly in flow, at least jab wo ye kar rahe hote hain. So a lot of people who are musicians say, yaar, I get into that zone, mujhe pata hi nahi lagta, aise lagta hai jaise mera upar wale se connection ho gaya hai. All that is a, you know, mental process in which some people call it the zone, some people say mera parmatma se connection ho jata hai, kuch ho jata hai, but you're really experiencing a very different kind of high. And people who are able to access that part of their mind very often, you will see that they are in flow. तो क्योंकि वो अंग्रेजी रिसर्चर हैं, जहाँ के भी हैं मुझे नहीं पता, पर यूएस के हैं फिलहाल, तो हम उनको फ्लो बोलते हैं. हमारे यहाँ भी उसके अलग अलग नाम है. हमारे यहाँ कितने सारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन जो कहते हैं साहब पता नहीं क्या हो जाता है साहब, कनेक्शन हो जाता है. तो दिस सेम थिंग राइट, हमें लिखते हुए पता ही नहीं लगता. I think it all depends upon the intensity of emotion you feel things with. क्योंकि दुनिया के कांटेक्ट में तो सभी हैं, लेकिन उस गहनता के साथ जो उसको महसूस कर पा रहा है वो कहीं ना कहीं उस कनेक्शन को उस आध्यात्म के साथ या जिस भी चीज को वो परसीव कर रहा है पूरे मन के साथ. तो विनीत, बड़ा वो जिसका की बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है, या बड़ा वो जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत सच्ची है, उसे कोई मुखौटा नहीं जरूरत है बिल्कुल. बड़ा वो
पैसे कमा पाता है क्योंकि उसकी जीने की वजह वो है। और बड़ा वो जो जिसको पैसे कमाने की चाह नहीं है, और अगर उसके पास पैसे हैं तो मतलब उसको क्या मजा आएगा, बड़ा वो जो वो कर रहा है जिसकी उसको चाह है और वो कर पाता है। बड़ा वो भी है जो कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में है कि चाहने के बावजूद वो नहीं कर पाता, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभाए जाता है क्योंकि उसको पता है उसके पास ऑप्शन नहीं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है जब आप ये कर पाते हैं, उन लोगों को कहना गया यार तुम नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हैं जो अपने सर्कमस्टेंसेस में फंसे हुए हैं। सो आई थिंक वी कांट पास एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट ऑन एनी ऑफ दिस एनी। हाँ, हमारी चाह जरूर होनी चाहिए। अगर हमें पता है डायरेक्शन क्या है तो यू कैन फाइंड दैट स्पेस। सो अगर हमें कंटिन्यूम में देखें और एक तरफ कंप्लीट ब्लिस है और एक तरफ कंप्लीट एंग्स्ट है, तो अगर आप एंग्स्ट की तरफ हैं, अगर आप अपनी ब्लिस की तरफ हल्का हल्का मूव कर रहे हैं, तो देन यू मूविंग टूवर्ड्स। तो जरूरी नहीं कि आप कंप्लीटली ब्लिसफुल कभी भी जी पाए। बहुत किस्मत वाले होते हैं जो लगातार ब्लिसफुली जी पाते हैं, लेकिन अगर आप उसकी तरफ मूवमेंट भी कर पा रहे हैं तो भी मुझे लगता है कि आप कुछ नसीब। Because I think happiness is not that permanent state of affairs. It's not perpetual happiness. It's just the way you feel things. अब मुझे नहीं पता इसका जवाब कैसे देना है। इसमें तो लोगों ने पूरी जिंदगी लगा दी, मैं कहाँ से इसका जवाब दे पाऊंगा। आप मुझे बताइए ना आपके हिसाब से क्या है। मुझे ये लगता है कि जो चीजें मैं परस्यू करती हूँ बाय हार्ट, होल हार्टेडली, वहां मुझे थकान महसूस नहीं होती, वहां मुझे किसी तरह का कोई मेंटल फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, वहां मुझे डेडलाइन से डर नहीं लगता। आई रियली एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग अ पैलेस ऑफ इमेजिनेशन, आई एम राइटिंग समथिंग, आई एम गोइंग विद दैट फ्लो एज यू सेड, आई डोंट फील एग्जॉशन एट ऑल। आई रियली ट्रैक ऑफ माय टाइम। सो दिस इज व्हाट गिव्स मी एक्चुअल हैप्पीनेस, दैट सेंस ऑफ ब्लिस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। एंड एवरी डे आई एम मूविंग टुवर्ड्स दैट। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। So what is it that you are actually looking for? Because I have heard that you love hip hop dance. नहीं, I don't know where you picked it up from. I love all kinds of music. I think बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी में वैरायटी के तौर पे आती हैं। मैं किसी भी एक चीज को बहुत ज्यादा पसंद या बहुत ज्यादा नापसंद नहीं करता। मुझे लगता है कि हर चीज के अंदर खूबसूरती है। थोड़ा थोड़ा मैं देखता जाता हूँ, जो मुझे पसंद आता जाता है मैं उसे इकट्ठा करता जाता हूँ। और यही इसी वजह से मैंने आपको कहा रोलिंग स्टोन कहता हूँ अपने आप को। मुझे अगर आपका ये कहता आपको कौन सी चीज बहुत अच्छी आती, मुझे कुछ भी बहुत अच्छा नहीं आता, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि मैं आई एम स्टिल अ क्यूरियस किड गोइंग अराउंड। मुझे लगता है कि 14-15 साल का जब मैं था, मैं तब से लेकर अब तक वो 14-15 साल वाले को काफी हद तक यू नो जिंदा रख पाया। So do you think this factor of curiosity or this factor of restlessness which is there in your heart, and is this an essential ingredient of being an artist? Because I have seen this thirst for the unknown, unrealizable thing as an essential part of all those people who have that artistic bent of mind. Is it an important factor? मुझे नहीं मालूम कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है मैं वही जवाब दे सकता हूँ। आई एम अ रेस्टलेस पर्सन। आई एम रेस्टलेस इन द सेंस दैट व्हेन आई वांट टू डू समथिंग आई बिकम वेरी रेस्टलेस। बहुत ज्यादा मुझे सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है वो काम करने की। अब ये बाकी आर्टिस्ट कैसे करते हैं क्या नहीं करते, ऑनेस्टली मुझे इतना मालूम नहीं है। मैं बहुत ज्यादा लोगों को जानता भी नहीं हूँ जिनसे मैं ये पूछ चुका हूँ या मैं दावा कर सकूं कि सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, मुझे मालूम नहीं है। मेरा काम करने का तरीका ये है कि अगर कोई आइडिया आता है तो फिर वो मुझे सोने नहीं देता, फिर मैं उस पे लगा रहता हूँ जब तक कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ना हो जाए। We have certain questions pouring in, and first one I would like you to answer is, can please, we say please. Happiness is a choice? I don't have an absolute answer. Again, I don't know. I mean, I'm not a psychologist or I don't know, spiritual guru. जिस तरह का आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ मैं क्या करता हूँ। I do choose happiness, लेकिन happiness का process है। If your basics are not met, it's very difficult to be happy. At least in my case. आज जो मैं ये बातें कर पा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस वजह से कर पा रहा हूँ कि देयर वाज सम बेसिक्स इन प्लेस।
ना होती तो बहुत मुश्किल होती है. इट्स नॉट एन इजी थिंग टू कंटिन्यू टू लिव अंडर द सर्कमस्टांसेस वी आर बॉर्न. बट आफ्टर अ वाइल, आफ्टर द बेसिक्स आर मेट, इफ यू कंटिन्यू टू रन आफ्टर व्हाट मेड सेंस एट अ सर्टन टाइम इवन नाउ, देन आई थिंक इट्स जस्ट फूलिश. बिकॉज हैप्पीनेस का यू नो चेहरा चेंज होता रहता है. जो आपको कल हैप्पीनेस देता था, जब वो अचीव हो गया, आप सोचो कि आप उसको दोबारा करोगे, तिबारा करोगे, फिर उसी गुना हैप्पीनेस मिल जाएगी, वो नहीं होता. सो यू मस्ट आस्क योरसेल्फ, व्हाट डू यू रियली वैल्यू एट डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ. नेचुरली जब मैं 21 साल का था तो अच्छी नौकरी पाना हैप्पीनेस थी. जब मैं 25 साल का था तो एक अच्छी वाइफ पाना जरूरी था. जब वो था तो यू नो एट दिस टाइम इफ यू आस्क मी व्हाट इज हैप्पीनेस, if I am able to do what I love, if I can find purpose in what I'm doing, if I'm able to impact communities around me, वो मुझे happiness देता है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं वो थोड़ा थोड़ा कर. So I don't know if that answered your question, but really that's my opinion. True, I totally agree with you. It keeps changing from phase to phase, whatever we have been going through at that particular time of life. Secondly, something that attracted me to one of your videos, which talked about Amitabh Bachchan's statement, ki mard ko dard nahi hota. So, do you think this experiencing pain or self-realization or bringing it out in the most intense way or sharing it with people just to lighten your breast, do you think it's a male feature or a female feature? Is it somehow related to gender? अगेन आई डोंट नो, मैं अपना ओपिनियन बता सकता हूँ, जो मैंने महसूस किया है वो बता सकता हूँ. सो आई थिंक आई वॉज अ मोर सेंसिटिव किड देन मोस्ट बॉयज, बट टू बी एबल टू फिट इन एंड टू बी एबल टू कॉन्स्टेंटली कम्पीट इन वॉट बॉयज एंड मैन हैड टू डू, आई हैड टू एक्ट एज इफ आई एम टफर. बट वेन आई लुक बैक आई रियलाइज दैट वी वर टॉट टू एक्ट and we were socially conditioned to believe like most boys in India. And shukr hai ki ab is bare mein discussion shuru ho rahi hai, aur agar koi aadmi rota hua dikh jata hai to aap usko bilkul hi namard nahi kar dete, agar koi sensitive baat karta hai tab kehte hain yaar ye kya hai. So I think all of us have exactly the same feelings. I don't think men and women differ in feelings at all. There is a lot of social conditioning both for men and women. Women go through it in a very different way. They are told not to do things that boys do, boys are told. So at least we are glad our generation has started to talk about it and do something about it. For example, I do not treat my daughter like my sister was treated or like my mother was treated. Similarly, I think it is important for all of us to realize that, look, people are unique. People are unique in so many ways that, I mean, we can't put them in any slot. तो अगर आप 50% ह्यूमैनिटी को लेफ्ट और राइट कर देंगे तो ये तो सबसे बड़ा अन्याय है. देन एट एन इंडिविजुअल लेवल एज पेरेंट्स एज सोसाइटी वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज अ डिफरेंट पर्सनालिटी. वी मस्ट रिकॉग्नाइज व्हाट दैट पर्सनालिटी इज. पीपल डेवलप डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ, सम फ्रॉम स्कूल एंड पेरेंटिंग एंड यू नो आवर रीजंस एंड आवर कंट्रीज एंड सो ऑन सो फोर्थ. एंड ओनली व्हेन यू हैव बीन एबल टू फैथम द एंटायर थिंग इन टोटैलिटी कैन यू से कि ये शख्स कैसा है. Or it is very important today to be emotionally intelligent. Bahut sare mard especially, we just don't have a language of emotion. Hame agar koi kahe ke sab sadness, happiness, anger aur iske siwa 3-4 emotion aur batao to hum we already start running out of words. Jabki emotions ko describe karne ke liye mujhe sare to nahi pata, lekin at least there are 80-90 different feelings that you can look at. Once you start to connect with that, you realize, my God, I was missing so much in terms of being able to feel life. And I think everyone needs to connect with that. Men or women, it doesn't matter. Women need to do it in a very different way. And men actually need to learn the language of emotion. Luckily in India, women at least have more empathy because it's again social conditioning. You know, अगर तुम औरत हो तो तुम्हें घर में बताया जाता है कि भाई you'll have to care, you'll have to do this, so they just have more empathy. But that gap is now, I think, filling up quite quickly, at least in urban areas and some of those things. More and more of our art, more and more of our music, of our films, and
All of us are talking. The fact that you brought it up means that it is starting to become something to discuss in a public forum. Don't you think we are again generalizing when we say that women tend to have emotions or they are more empathetic? Again, are we not generalizing? Wait, to maine aapse kaha, we are generalizing. And we should. I think even the same kind of emotions and intensity, all that differs is the way they express themselves. And they express themselves in a certain way because this is what their conditioning is. To appear जी, tough, exactly यही कहा, मैंने यही कहा. हाँ, inner tough is complimented a lot. And अगर ladies हैं, कोई भी female है, अगर वो अपने आप को अपने emotions पे काबू पा सकती है और वो अपने emotions को express नहीं करती, she behaves tough because, like for example, if she has no brother, she is the only child to her parents, and she, why does she want that she has to be the son? कि मुझे अब मेरे क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है तो मुझे अपने पेरेंट्स का बेटा बनना है तो इसलिए मुझे इतना टफ होना होगा कि मैं अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को भी एक आउटफ्लो नहीं दे पाऊं. तो अगेन दैट कंडीशनिंग कि ये लगता है कि हाँ अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं है. तो मुझे लगता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर यू आर, यू हैव द फुल राइट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, टू रिलेट टू देम एंड टू फील देम इन द एंटायर इंटेंसिटी ऑफ देयर एंड टू एक्सप्रेस देम द बेस्ट वे यू कैन. बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज हाउ लाइफ कैन बी फेल्ट. तो आपको जो भी करीब से जानता है, मेरी किसी से बात हुई जिन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से वो छोटी थी तब से लेकर और आज तक आप उनकी उंगली पकड़ के चलते आए हैं, और जो वो ये बोलती हैं कि जब मैं विनीत के बारे में सोचती हूँ तो मुझे एक चीज दिमाग में आती है कि मैं जब भी कहीं भी wherever I'm stuck, I feel there's one person who's standing in front of me and saying ki kaake tu tension na le, main hu na. Wo jo movie ka jo title hai main hu na, wo ek main hu na wali jo feeling hai, jo assurance hai, wo aap un sabhi apne khoobsurat rishton ko dete aaye hain jo bhi aapke touch mein rahe hain. This is where I began by introducing you, that you have that Midas touch. So I think this is where we actually come to this, we come close to being a human. नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए कर पाया हूँ. मैंने बहुत लोगों को शिकायत के लायक छोड़ा है. I mean, I wish I could do it more often. हम नहीं कर सकते सबके लिए. I wish I could do it for more people. पर ये जरूर है कि over time I have realized कि मुझे वो किसके लिए करना है. In the last few years I've realized which relationships have a positive impact on my life and which are toxic. Or I think in these years I have also had the courage of going to them and saying that I want you in my life and I don't want you in my life. To bahut sare aise rishte jinko main jhel raha tha unko maine apni zindagi se nikal diya. Aur bahut sare aise rishte jinko ki mujhe lagta tha ki mujhe sanjone chahiye the ya main nahi unme invest kar paya tha, उनमें या तो मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी या अगर बिगड़े हुए थे तो उनसे माफी मांगी. एंड इट हैज बेनिफिटेड मी ग्रेटली. सो आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट आई कैन सी माइसेल्फ चेंजिंग. आई कैन सी दैट द अटेम्प्ट टू बिकम मोर सेल्फ अवेयर इज हेल्पिंग. आई डू होप टू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन दैट एरिया. और जैसे जैसे मैं खुद को और डिस्कवर करता जाता हूँ उस तरीके से आई थिंक वन बिकम्स मोर ऑथेंटिक. फिर आप परवाह करनी बंद कर देते हो, आपके मुखौटे उतर जाते हैं, आप थोड़ा सा डरना बंद कर देते हो, आपको ये नहीं लगता कि साहब मैं इसको ये बोलूंगा तो यार ये क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा. जो अच्छे दोस्त हैं वो तो आपको जानते हैं, वो तो आप उनको अगर सच्ची बात कहोगे तो अप्रिशिएट करेंगे, और जो आपकी सच्ची बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहे वो आपके दोस्त क्यों. तो बड़ा सिंपल हो जाता है फिर कि यार यहाँ मजा आ रहा है यहाँ मजा नहीं आ रहा है. मजबूरी के रिश्ते अब मैंने रखने बंद कर. बहुत साधारण शब्दों में आपने बहुत खूबसूरत बात की और इशारा किया है. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें लाइफ में ये पता हो कि कौन सी रिलेशनशिप्स हैं जो टॉक्सिक होती चली जा रही हैं, और हमें इतना करेज होना चाहिए कि हम इस चीज को बता पाए कि वी कैन से दैट ओनली इट इज. पता तो हमें होता है, पता तो हमें होता है, काफी अच्छे से पता होता है, हम रोज महसूस करते हैं. ये जो जिसको हम करेज कह रहे हैं, आई थिंक इतना करेज नहीं चाहिए होता. एक आध बार जब आप ट्राई कर लोगे, जब आप उसका बेनिफिट देखोगे और जिस तरह खुलापन आ जाता है आपकी जिंदगी में, जैसे आप अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप को हटाना शुरू करते हो और साथ में आप
पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को बचाना शुरू करते हो। आई थिंक हम उम्मीद तो बहुत करते हैं कि उसने मेरे लिए ये नहीं किया, बट वी ट्राई एंड ओनली एक्सपेक्ट। आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। लास्ट टाइम कब कॉल किया था, लास्ट टाइम किसी के लिए कब किया था, लास्ट टाइम कब खड़े हुए थे। It's a win-win situation if you keep investing. Yeah. It's a two-way process. Yeah. Even we have to be there. ये कहकर कि मैं हूँ ना, और ये कहने के लिए बहुत बाध्य लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन हाँ ये होना चाहिए तभी लोग आपसे जुड़े रह सकते हैं। Actually, मेहनत नहीं लगती, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सिंपल है। आधा आधे लोगों को आपसे कुछ चाहिए नहीं होता, उनको सिर्फ इतना एहसास चाहिए होता है कि कोई है। हो सकता है आप उनकी मदद भी ना कर पाए, आप सुन लें, आप कहें कि कोई बात नहीं, कुछ होगा तो देख लेंगे, इतने में ही लोगों को ताकत मिल जाती। प्रॉब्लम यह है कि आधे लोगों के पास ये भी नहीं है। सो आई मीन व्हाट कैन फ्रेंड्स रियली डू फॉर ईच अदर। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी से कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, लेकिन ये आश्वासन के कुछ होगा तो एक दो लोग ऐसे हैं, तीन चार लोग ऐसे हैं जो कि मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी चीज है। बदनसीबी से लोगों के पास इतने भी नहीं, एंड समटाइम्स पीपल से यार मेरी किस्मत में ये नहीं है, एंड लिटरली यू गो डाउन टू इट एंड यू रियलाइज कि आपने खुद ही इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की तो आपको वापस कैसे मिलेगा, रिटर्न कहाँ से आएगा। बिल्कुल। एक बात जो हमारी पीछे छूट गई, जिसमें मैं चाहती थी कि आप कविता नुमा कुछ सुना दें, जहां पे कि मैंने रेफरेंस दिया आपको अमिताभ बच्चन का, तो वो एक कविता हम सुनाएंगे आपसे जरूर। अमिताभ बच्चन साहब ने जो कविता शेयर की थी वो वाली आप जिक्र कर रही हैं? नहीं, मैं जिक्र कर रही हूँ मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, वो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस समय है नहीं, लेकिन मैं आपको वो कविता सुना सकता हूँ जो अमिताभ बच्चन साहब ने मेरी शेयर की थी, जिसकी वजह से मैं एक रात को बहुत पॉपुलर हो गया था। तो मैं आई ओ हिम अ लॉट, एंड दैट वाज कॉल्ड सफेद कमीज़ है। ओके, वो मैं आपको सुनाता था। तो ये जब मैं तो इनफैक्ट मैं उनको मैंने दो तीन बार लिखा कि साहब आप तो बहुत पैसे लेते हैं ट्वीट करने के और ये करने के, फेसबुक पर डालने के लिए, आपने मेरी मुफ्त कर दी। ग्रेटफुल टू हिम। फिर अगेन वी गो इनटू द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सफेद कमीज एज यू टॉक्ड अबाउट द रिलेशनशिप्स इन व्हिच यू वुड लव टू इन्वेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सफेद कमीज रियली इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि मेरे एक मित्र थोड़े बीमार थे, मैं उनके पास गया था और मैं फेसबुक पे लगातार देख रहा था साहब के मेरे कितने ऐसे दोस्त हैं जो कि मैं बीमार होऊंगा तो आ जाएंगे। तब ये कविता हुई थी कि ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी है, ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी है, तीन सफेद चेनी तीन पिंक दोहरी है। ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी हैं, तीन सफेद चेनीली तीन पिंक दोहरी हैं, और सेल लगी थी तो हम दो कमीजें और उठा लाए, और सेल लगी थी तो हम दो कमीजें और उठा लाए, पहने ना पहने देखने में तो खरी है, ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी है। वैसे भी आजकल कमीजें कहाँ फटती हैं, कब उधड़ती है? वैसे भी आजकल कमीजें कहाँ फटती हैं, कब उधड़ती हैं? कभी दशहरे पर दो मिला करती थी, सारा साल पहनते थे, आजकल तो सरेआम हर रोज मिला करती है, आजकल कमीजें कहाँ फटती हैं, कब उधड़ती हैं? पर कमीजों की तरह दोस्तों का भी हाल हो चला है, कमीजों की तरह दोस्तों का भी हाल हो चला है। तीन चार बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे कभी, अब तो फेसबुक पर एक के बाद एक नया सिलसिला है, कमीजों की तरह दोस्तों का भी हाल हो चला है। हाँ, कभी सोचते हैं तीन सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाए, कभी सोचते हैं तीन सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाए, पर पिंक वाली पार्टी में बहुत अच्छी लगती है और ग्रीन वाली फोन पैंट के साथ, तो किससे किसका मैच कराएं, कौन सी रखें, कौन सी लौटाएं, कौन सी बांटें, कौन सी बचाएं? कभी सोचते हैं तीन सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाए, या चलो छोड़ो भरी रहने दो अलमारी, या चलो छोड़ो भरी रहने दो अलमारी, कम से कम खोलो तो लगता है, कमी कोई नहीं होनी चाहिए, इंसान के पास हर किस्म की कमीज होनी चाहिए। पर कमाल है ना साहब देखिए ना, पर कमाल है ना साहब देखिए ना, दिल साला उन्हीं पे आता है, पर कमाल है ना साहब देखिए ना, दिल साला उन्हीं पे आता है, दो हो अच्छी हो सफेद हो, अकेले में हाथ फिर उन्हीं की तरफ जाता है, फिर क्यों हर किस्म की कमीज होनी चाहिए, फिर क्यों हर किस्म की कमीज होनी चाहिए, दो हो अच्छी हो सफेद हो, दोस्तों में दोस्तों दोस्ती की तमीज होनी चाहिए, दो हो अच्छे हो सफेद हो, दोस्तों में दोस्तों दोस्ती की तमीज होनी चाहिए। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने सुना आपने जिंगल्स पे भी काम किया हुआ है। हम्म, व्हाट आर जिंगल्स ऑल अबाउट? व्हाट इज जिंगल्स ऑल अबाउट?
आर यू ट्रेन्ड टू मेक दोज़, और इट कम्स ऑटोमेटिकली एज अ टैलेंट दैट यू कॉइन वर्ड्स एंड यू राइम देम, तुकबंदी, हाउ डज इट तो गो, नहीं, इज इट तो एज आप इंटरेस्टिंग एज इट साउंड्स? अब आप एक एक करके सवाल पूछो तीन, मैं तो थोड़ी देर में कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो पहला सवाल आपका था जिंगल्स जिंगल्स क्या होता है? क्या है, जिंगल्स फिर है? फिर आपने पूछा ये बनते कैसे हैं, फिर आपने पूछा क्या, मैं कंफ्यूज हो गया कौन से सवाल का So जवाब पहले दूं। tell me all the ins and outs of making jingles that you have been doing for long. ठीक है, फिर इसको एक्सटेंड करके 8 घंटे का प्रोग्राम कर देते हैं। इन्स एंड आउट्स। चलते तो देखते हैं मैंने जिंगल्स बनाने शुरू किए थे 12 साल पहले जब मैं देहरादून आया था। वो इसलिए बनाने शुरू किए थे क्योंकि हमें और कोई काम मिल ही नहीं रहा था। हमने एक स्टूडियो खोला और हम सोचा हम तो सीधा बॉलीवुड टाइप का काम करेंगे, और हमें किसी ने काम नहीं दिया। तो हम रेडियो स्टेशन के पास गए और हमने कहा साहब ये जो छोटे छोटे गाने बनते हैं हम ये बना सकते हैं और आप हमें काम दे दीजिए। और हमने फिर एडवर्टाइजिंग के छोटे छोटे गाने जिनको हम जिंगल्स कहते हैं हमने बनाना शुरू कर दिए। तो कोक के लिए, मिरिंडा के लिए, अमूल के लिए, एलजी के लिए, फिर लगातार हम बहुत सारे ब्रांड्स के लिए बनाते रहे। और इस तरह हमने ये तुकबंदी शुरू की। तुकबंदी मतलब राइमिंग। और वो बनते बनते फिर आदत सी पड़ गई, फिर आदत सी पड़ गई तो हम आप वही चीजें थोड़ी लंबी कहानी में सुनते हैं तो कभी सफेद कमीज बन जाती है, कभी कोई और नस बन जाती है। लेकिन वो टेक्निक एग्जैक्टली वही है तुकबंदी वाली, स्टोरी को चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो राइमिंग करते हुए आसान तरीके से कहने को हम तुकबंदी कहते हैं। तो कोई जिंगल सुनाएगा आप हमें? नहीं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके जरूर सुन सकते हैं, मैं तो आपको जिंगल नहीं सुना पाऊंगा। जिंगल गाना ही अगर मेरे को आपके प्रोग्राम पे आना है तो मैंने वेबसाइट किस लिए बनाई है। आप हमारी वेबसाइट है jingles.co.in, उसमें बहुत सारे जिंगल्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं, अगर किसी को दिल हो तो जरूर सुन सकता है। कम से कम आप एक गाना तो आप हमारे ऑडियंस को सुनाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा गाने, मैं सिर्फ कह रहा हूँ मैं बहुत ही अरे ये करीबी क्या दोस्तों के बात बीच में बैठ के बता तो रहा हूँ आपको क्यों नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं गाता एंटरटेनमेंट करके लिए हुई नहीं है। आई मीन आई 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 डोंट लाइक सिंगिंग व्हेन समबडी सेज आपको क्योंकि गाना अच्छा लगता है और आपको तो हमें सुनाइए। इट्स लाइक सेइंग कि आपके घर कोई अच्छा क्रिकेटर आया तो अच्छा मेरे को बॉल मार के दिखा। नहीं नहीं भैया, आई डोंट डू इट फॉर एंटरटेनमेंट, मैं अपने लिए गाता हूँ। कभी कभी गाता हूँ जब 2 पैग मार लेता हूँ और बहुत ही करीबी दोस्त बैठे होते हैं तो थोड़ी सी हिम्मत करके गाता हूँ, मैं नहीं गाता अदरवाइज एंटरटेन करने के लिए। आज हम बातचीत करेंगे और मैं आपको कुछ नज़में सुनाऊंगा। तो कोई नज्म आप हमें सुनाना चाहेंगे? जरूर, आई थिंक हमारे पास अब वक्त कितना है, 7-8 मिनट और है ना, तो लेट मी, व्हाई डोंट आई डू अ कपल ऑफ नज़म्स फॉर यू जो मेरी पसंदीदा हैं, बी गुड लक। और फिर आगे चलते हैं ना। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी, तीन छोटी छोटी नज़में सुनाता हूँ जो मैंने बनारस में लिखी थी। वो मुझे पसंद भी इसलिए है बिकॉज क्वाइट अ बिट ऑफ इट हिट मी। मुझे लगता था कि मैं हिंदुस्तान को अच्छे से जानता हूँ, बट मुझे बनारस जाके जब मैं वहां काफी दिन रहा तब रियलाइज हुआ कि हम कितना नहीं जानते अपने ही देश को। तो पहली छोटी नज्म बनारस, दिस इज कॉल्ड बनारस में रीबॉक का जूता, कि ओह पैर जैसे ही गाय के गोबर पे पड़ा सफेद रीबॉक के जूते की उम्र और कीमत दोनों याद आ। पैर जैसे ही गाय के गोबर पे पड़ा सफेद रीबॉक के जूते की उम्र और कीमत दोनों याद आ गई, पर गली के भिखमंगे बच्चों ने समझाया अंकल परेशान ना होइए दूसरे जूते को भी गोबर में डुबोइए, अब दोनों एक ही रंग के हो जाएंगे, ना आपकी आंखों को खलेंगे ना कीमत याद दिलाएंगे, और तब भी आपको जूता अजीब लगे तो हमें दे दीजिएगा, हम इसे गंगा मैया में धो के आएंगे, हमारे पांव जमाने से नंगे हैं इस बहाने हम भी जूता पहने। So beautiful. तो के उस तीन कविताओं का पहली मिनिएचर कविता है, दूसरी है बनारस का साधु, और ये सब रियल लाइफ छोटे छोटे इंस्टेंसेस पे बेस्ड है। नेचुरली मैंने थोड़ा सा क्रिएटिव लिबर्टी ली है कि खाट पे बैठे एक साधु से पूछा, क्यों बाबा कुछ वेद शेद जानते हो या यूं ही पाखंड करते हो, किस अखाड़े के हो, कौन है गुरु तुम्हारा, कुछ धर्म के बारे में आता जाता है या यूं ही पब्लिक को झंड करते हो। साधु बड़ी देर से शायद लेटा था, आंखें पूरी खोली ली जमाई, पीछे से चिलम निकाली मार डाला चिलम जलाई, बोला बैठो अभी जवाब देते हैं, एक आध सवाल हमारा भी है तुम जवाब देने वाले बनो हम भी देते हैं, बेटा जितना खुद को अक्लमंद पढ़ा लिखा बताते हो, बेटा जितना खुद को अक्लमंद पढ़ा लिखा बताते हो सच बताओ लाइफ में जो कहते हो सब कर पाते हो। मुस्कुरा के बोला
जिस दिन मेरे साथ बैठकर सच बोल पाओगे समझ जाओगे, जिस दिन मेरे साथ बैठकर सच बोल पाओगे समझ जाओगे ये जिंदगी है बेटा, जिस दिन ये बेकार के सवाल बंद कर दोगे जवाब खुद ब खुद सुन पाओगे। और इसी श्रृंखला की तीसरी किसी जो नज्म है उसका नाम है बनारस का मदारी। लाजा फरमाइए के बंदर बंदरिया का नाच घाट पे रोज चलता है, बंदर बंदरिया का नाच घाट पे रोज चलता है, बंदरिया आगे ज्यादातर, कभी कभी बंदर भी चलता है, मदारी की आवाज सुनते ही दोनों जम के डांस करते हैं, कभी बंदर पिस्तौल उठाता है, कभी कपल बन के रोमांस करते हैं। मैंने जाने क्यों मदारी को समझाया, मैंने जाने क्यों मदारी को समझाया, जानवर के साथ ऐसा क्यों करते हो भाई, आजाद कर दो इन्हें। मैंने जाने क्यों मदारी को समझाया, जानवर के साथ ऐसा क्यों करते हो भाई, आजाद कर दो इन्हें, सारा दिन क्यों बांधे रखते हो भाई, आजाद कर दो इन्हें। मदारी मुझसे ज्यादा पका हुआ सयाना था, मदारी मुझसे ज्यादा पका हुआ सयाना था, झुरियां बताती थी, देखा इसने जमाना था, बोला बाबू नौकरी पेशा लगते हो, बोला बाबू नौकरी पेशा लगते हो, ऑफिस से कितने दिन की छुट्टी मिली है, हमारे बंदर की चिंता है, अपने मदारी से क्यों नहीं बात करते हो। ये दैट्स अमेजिंग। जी, so you talked about these poems to be the miniature poems, and I think you have provided us a glimpse in miniature this life ka pura ka pura. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा मकसद तो यही है कि आसान शब्दों में वो लिखूं जो मुझे कहीं चुभा या मुझे महसूस हुआ, और यही तो बंदी मेरी नज्म नुमा आइटम में से कहता हूँ कभी कभी निकल आती है। और एक आपको सुनाता हूँ जो मुझे खुद पसंद है। जी तो मैंने जिस तरह आपको पहले जिक्र किया था कि मैं पढ़ाई करने के लिए होटल मैनेजमेंट करने गया था, और मैं शेफ बनने के चक्कर में था, बन तो नहीं पाया, लेकिन दो तीन लेसन जो हमारे प्रोफेसर हमें दिया करते थे, जो कुकिंग के प्रोफेसर थे, वो हमेशा कहते थे कि साहब जो भी खाना आप धीरे बनाओगे, धीमी आंच पे बनाओगे, थोड़ा बनाओगे, ऑब्जर्व करते हुए बनाओगे, ज्यादा प्यार से बनाओगे, वो ज्यादा अच्छा बनेगा। और वो बात हमें बड़ी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो रिश्ते भी वैसे ही होते हैं। आप सोचो कि मैं साल में एक बार तो किसी के लिए कुछ कर दूंगा, बाकी टाइम मैं लापता रहूंगा, तो मैं तेज आग लगा के मैं सोचूंगा यार बहुत, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट रिश्ते मांगते हैं, ये बड़ी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, कोई भी आपसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चाहता, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते चलें तो वो इवेंचुअली आपके रिश्ते को स्ट्रेंथन कर देती है। उसी पे ये छोटी सी एक नज्म नुमा आइटम है, इसका नाम है धीमी आंच पे पकते रिश्ते। लहजा फरमाइए कि धीमी आंच पे कुछ रिश्तों को धीरे धीरे पकाया है, धीमी आंच पे कुछ रिश्तों को धीरे धीरे पकाया है, रिश्ता जब ये पक जाता है स्वाद अलग सा देता है, यही सोचकर इन हाथों से पैरों पैर चलाया है, धीमी आंच पे कुछ रिश्तों को धीरे धीरे पकाया है, लगना जाए कहीं ये नीचे हम चूल्हे पर खड़े रहे, लगना जाए कहीं ये नीचे हम चूल्हे पर खड़े रहे, एक तरफ से पक जाता है तो पलटाना पड़ता है, लगना जाए कहीं ये नीचे हम चूल्हे पर खड़े रहे, एक तरफ से पक जाता है तो पलटाना पड़ता है, जितना सिका है एक तरफ से अच्छा रिश्ता तब तक है जब पलटा जाए उतना ही वक्त लगाना पड़ता है, एक तरफ से पक जाता है तो पलटाना पड़ता है। और रिश्ता भी कोई कम थोड़ी है खुल के बातें करता है, रिश्ता भी कोई कम थोड़ी है खुल के बातें करता है, कैसे ये पकना चाहता है खुद ही ये बतलाता है, कब इसमें क्या डलना है, कब हिलना है, कब रुकना है, कब इसको दम देना है, ऐसे हालातें करता है, रिश्ता भी कोई कम थोड़ी है खुल के बातें करता है, ये भी सच है कभी उबल कर गर्द भी ऊपर आती है, ये भी सच है कभी उबल कर गर्द भी ऊपर आती है, जो भी चीज पकेगी कुछ तो अपना निशान छोड़ेगी, इसको बस हटाते रहिए, इसको बस हटाते रहिए, ज्यादा देर न रहने दे, वरना स्वादी रिश्ते में ये बेस्वादी सी छोड़ेगी, जो भी चीज पकेगी कुछ तो अपना निशान छोड़ेगी, अब चाहे इसमें से ले लो कड़छी दो कड़छी हर रोज, अब चाहे इसमें से ले लो कड़छी दो कड़छी हर रोज, ये रिश्ते की खूबी है, रिश्ता उतना ही रहता है, बस आंच जली हो, बस आंच जली हो, हाथ रुके ना, धीरे धीरे पकने से रिश्ते के बर्तन में जितना था उतना ही रहता है, अब चाहे इसमें से ले लो करछी दो करछी हर रोज, ये रिश्ते की खूबी है रिश्ता उतना। थैंक यू, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कौन कहता है कि आपका होटल मैनेजमेंट बेकार गया, और कौन कहता है
रिश्ते पक रहे हैं धीरे धीरे। जी क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि ये आपकी फेलियर स्टोरीज हैं, मैं एक्चुअली कहना चाहूंगी कि दिस इज द रियल सक्सेस दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट एंड गैदरिंग एवरी इंच ऑफ इट एवरी डे। एंड मोर ओवर यू शुड थैंक योर स्टार्स, आई थैंक माई स्टार्स दैट वी डोंट हैव अ मदारी टू कीप अस डांसिंग। तो हम अपने ही फ्लो में चलते रहें और हमें जो अच्छा लगे वो हम करें, और हम कहीं ना कहीं वी शुड बी एबल टू क्रिएट द रिपल्स ऑफ पॉजिटिविटी इन सोसाइटी। बिल्कुल, I think that is what we should all be aiming at. It was wonderful to have you, Vineet Panchi, amongst us. Thank you very much, Maya Khandelwal. It was wonderful to be on your show. I hope your audience has also liked it. And thank you very much. I love being here. I can vouch for it. They must have loved it. Bahut bahut shukriya. And whoever is watching, thank you very much for taking the time out to look at us talk. Thank you, Maya. Bahut bahut shukriya aapka. This is where again I began. I talked about that Vineet Bhav. And again, you come the full circle and you talk about that humility. You are actually thanking people to have spared time. We should rather be नहीं, नहीं, बिल्कुल यार, I mean, उनकी वजह से ही हमारी थोड़ी बहुत हैसियत है, अदरवाइज आपको अगर सुनने वाले ही नहीं होंगे तो हमारा क्या यार चलता है। थैंक यू वेरी मच, टॉक टू यू, बाय बाय बाय, गुड नाइट।